प्रश्न नंबर दुई अंक विशिष्ट संख्यार अंकद्वयर समष्टि नौ जदि अंकद्वयर स्थान बदला जाए तेबे नूतन संख्याटी मूल संख्या ठारु 27 अधिक हेबो संख्याटी निर्णय कर। मन कर दुई अंक विशिष्ट संख्यार एकक स्थानीय अंकटी एक्स। प्रश्न अनुसार दशक स्थानीय अंकटी केते हेबो 9 माइनस एक्स हेबो काहेकि कारण अंकद्वयर समष्टि होउछि 9। गोटे अंक जदि एक्स हेबो अन्य अंकटी 9 रु एक्स कमेइ देले जेतिकि सेतिक हेबो। प्रश्न अनुसार दशक स्थानीय अंक समान 9 माइनस एक्स जेहेतु अंकद्वयर समष्टि 9। जदि एकक स्थानीय अंकटी एक्स एवं दशक स्थानीय अंकटी 9 माइनस एक्स हेबो तले संख्याटी केते हेबो अते संख्याटी आमर 9 माइनस एक्स दस प्लस एक्स एक जेतिक सेतिक हेबो। जेमिति कि 35 गोटे संख्या तार एकक स्थानीय अंक 5 दशक स्थानीय अंक 3 तेणु आपको विस्तारित रूप से लिखिले केते हेबो 3 10 5 1 3 10 ता माने 10 गुण 3 प्लस 5 1 माने 5 एटा जहा ये सैया 10 3 30 30 मिसान 5 35 ठीक सेमती एठी दशक स्थानीय अंकटी 9 माइनस एक्स एकक स्थानीय अंकटी एक्स ताले संख्याटी केते हेबो 9 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स एक 9 माइनस एक्स 10 कहिबा जहा 10 होल इनटू 9 माइनस एक्स कहिबा से अर्थात 10 9 माइनस एक्स सहित गुणन हेबो। एठी जेमती 10 3 सहित गुणन होला 3 10 तेणु 10 गुणन 3 एठी 9 माइनस एक्स 10 तेणु 10 गुणन 9 माइनस एक्स प्लस एक्स एक एक्स एक कहिबा जहा खाली एक्स कहिबा सेया तले संख्याटी एतिके हेगला समान ए 10 को 9 सहित गुणले 90 ए 10 को माइनस एक्स सहित गुणले माइनस 10 एक्स ए रहिला प्लस एक्स समान 90 ए माइनस 10 एक्स प्लस एक्स केत हेबो माइनस 9 एक्स तले संख्याटी केत आमे जानिदेले। जदि अंकद्वयर स्थान बदला जाए तेबे नूतन संख्याटी मूल संख्या ठारु 27 अधिक हेबो। जदि अंकद्वयर स्थान बदलिला एकक स्थानीय अंकटी केत हेबो 9 माइनस एक्स दशक स्थानीय अंक हो एक्स। जदि अंकद्वयर स्थान बदला जाए तेबे एकक स्थानीय अंक 9 माइनस एक्स एवं दशक स्थानीय अंक एक्स तेब नूतन संख्याटी एक्स 10 प्लस 9 माइनस एक्स एक एक्स 10 अर्थात एक्स रे 10 गुणिया 10 गुण हो 10 एक्स प्लस केते एक 9 माइनस एक्स एक 9 माइनस एक्स एक कहवा जहाँ 9 माइनस एक्स कहवा से सामान 10 एक्स माइनस एक्स के 9 एक्स ये रहा प्लस 9 तेल नूतन संख्याटा ये मूल संख्याटी के 90 माइनस 9 एक्स। प्रश्न कही नूतन संख्याटी मूल संख्या ठार 27 अधिक ताल 9 एक्स प्लस 9 इज इक्वाल टू 90 माइनस 9 एक्स प्लस 27। प्रश्न अनुसार 9 एक्स प्लस 9 इज इक्वाल टू 90 माइनस 9 एक्स प्लस 27 दिस इम्प्लाइज 9 एक्स प्लस 9 समान ए 90 रे 27 जोग कले केत हेब 117 माइनस 9 एक्स दिस इम्प्लाइज बर्तमान आम अज्ञात राशि विशिष्ट पद गोटे पार्श्व को ना ध्रुवक पद अन्य गोटे पार्श्व को नहीं जा 9 एक्स बाम पार्श्व अच्छी लिखिले ए माइनस 9 एक्स बाम पार्श्व को आसा प्लस 9 एक्स समान 117 ए प्लस 9 दक्षिण पार्श्व को माइनस 9 दिस इम्प्लाइज 18 एक्स समान 108 दिस इम्प्लाइज एक्स के 108 विभक्त 18 108 को 18 द्वारा भाग कले के आस 18 सौ 108 ताले एक्स बाहरी गला 6 ताले एकक स्थानीय अंक 6 अत संख्याटी केते आमर मूल संख्याटी केते 90 माइनस 9 एक्स 90 माइनस 9 एक्स समान 90 माइनस 9 गुणन 6 समान 90 फेड़ान 54 समान 36 अतएव निर्णय संख्याटी 36 किंबा आम आउ कौन करें एक्स 6 बाहर ताले एकक स्थानीय अंक 6 ये लिखि था
अतएव एकक स्थानीय अंकटी छ दशक स्थानीय अंकटी नौ फेड़ाण छ समान तीन अतएव संख्याटी छत्तीस कारण दशक स्थानीय अंकटी बाहर तीन एकक स्थानीय अंक छ तेनाली संख्याटी हो छत्तीस सेमती भी करें। नौ नंबर दुई अंक विशिष्ट एक संख्यार अंकद्वयर समष्टि दस संख्याटी छत्तीस जोग कले संख्याटर अंकद्वयर स्थान बदली जाए संख्याटी निर्णय कर मनेकर दुई अंक विशिष्ट संख्यार एकक स्थानीय अंकटी एक्स अतएव दशक स्थानीय अंकटी समान टेन माइनस एक्स कारण अंकद्वयर समष्टि दस जेहेतु अंकद्वयर समष्टि समान दस से गोटे अंक एक्स हेले अन्य अंकटी दस माइनस एक्स अतएव संख्याटी समान केते दस केते एक टेन माइनस एक्स दस प्लस एक्स एक ताले टेन इंटु टेन माइनस एक्स प्लस एक्स समान दस रे दस गुणले शहे दस रे माइनस एक्स गुणले माइनस टेन एक्स ये रहिला प्लस एक्स समान ये हेबो शहे माइनस टेन एक्स प्लस एक्स होची माइनस नाइन एक्स। पुनश्च प्रश्न कौन कही जदि आम यही संख्यार छत्तीस जोग करवा संख्याटर अंक द्वारा स्थान बदली जीव तले प्रथम आम देखा अंक मान स्थान बदली गले संख्याटी केते हबो अंक मान स्थान बदली गले एकक स्थानीय अंकटी केते हबो टेन माइनस एक्स एवं दशक स्थानीय अंकटी हिजबो एक्स अंक मान स्थान बदली गले एकक स्थानीय अंक हिजबो टेन माइनस एक्स दशक स्थानीय अंकटी हिजबो एक्स अतएव नूतन संख्याटी समान केते दस एक्स दस प्लस टेन माइनस एक्स एक एक्स दस अर्थात टेन एक्स प्लस टेन माइनस एक्स एक समान टेन एक्स माइनस एक्स हो नाइन एक्स ये रही प्लस टेन। प्रश्न कौन कही मूल संख्याटी जदि आम छत्तीस जोग करवा संख्याटर अंक द्वारा स्थान बदली जाए एम छत्तीस जोग करवा संख्याटी आम पाइबा प्रश्नानुसार नाइन एक्स प्लस टेन इज इक्वाल टू ये संख्यार छत्तीस जोग कले पाइबा शहे माइनस नाइन एक्स प्लस छत्तीस दिस इम्प्लाइज नाइन एक्स प्लस टेन इज इक्वाल टू शहे छत्तीस जोग कले शहे छत्तीस ये रहा माइनस नाइन एक्स दिस इम्प्लाइज अज्ञात राशि विशिष्ट पद गोटे पार्श्व को आपट नाइन एक्स रही माइनस नाइन एक्स बाम पार्श्व को आसल प्लस नाइन एक्स समान शहे छत्तीस फेड़ाण दस दिस इम्प्लाइज अठर एक्स समान शहे छब्बीस दिस इम्प्लाइज एक्स केत हम शहे छब्बीस विभक्त अठर शहे छब्बीस विभक्त अठर केत हम सात कारण अठर सता शहे छब्बीस आम चाहूबा संख्यार एकक स्थानीय अंकटी सात बोली आम पाई कारण एक्स समान सात एकक स्थानीय अंकटी एक्स सात पाईगले अत संख्याटीर एकक स्थानीय अंक सात अतएव दशक स्थानीय अंकटी केत हम टेन माइनस एक्स ताने दस फेड़ाण सात समान तीन तेल संख्याटी हम तीन दस सात एक अर्थात सैंतीस अतएव निर्णय संख्याटी सैंतीस। दस नंबर क्यों संख्यार कोड़े शतकड़ा यार बार शतकड़ा अपेक्षा बार अधिक दस नंबर मनेकर संख्याटी एक्स अतएव एक्स र कोड़े शतकड़ा समान एक्स गुणन कोड़े विभक्त शहे समान कोड़े एक्स विभक्त शहे लघिष्ठ रूप में प्रकाश करने कि आवश्यकता नहीं जदि भी लघिष्ठ रूप में प्रकाश करवा तेल चल ओ एक्स र बार शतकड़ा एक्स र बार शतकड़ा के देखा एक्स गुणन बार विभक्त शहे समान बार एक्स विभक्त शहे। प्रश्न कौन कही संख्याटीर कोड़े शतकड़ा तहार बार शतकड़ा अपेक्षा बार अधिक संख्याटीर कोड़े शतकड़ा हूँ कोड़े एक्स विभक्त शहे तहार बार शतकड़ा हूँ बार एक्स विभक्त शहे ताले कोड़े एक्स विभक्त शहे बार एक्स विभक्त शहे अपेक्षा बार अधिक
तेणु 20x विभक्त 100 कहा सहित समान हबो 12x विभक्त 100 मिशाण 12। प्रश्न अनुसार 20x विभक्त 100 समान 12x विभक्त 100 अपेक्षा 12 अधिक तेणु 12x विभक्त 100 मिशाण 12। अज्ञात राशि विशिष्ट पद को गोटे पार्श्व को नहीं जा दिस इम्प्लाइज 20x विभक्त 100 माइनस 12x विभक्त 100 समान 12। दिस इम्प्लाइज ताको वियोग करिबा दुटी जगह हर 100 रही तेणु तक वियोग फल हर से रब वियोग हम 20x माइनस 12x समान 12। दिस इम्प्लाइज 8x विभक्त 100 समान 12। दिस इम्प्लाइज 8x के 12 गुणन 100 ये 100 सेपट गले गुणन हो। दिस इम्प्लाइज एक्स के 12 गुणन 100 विभक्त 8। 8 चार द्वारा विभाज्य चार द्वारा भाग कले 2 रहिबो 12 को चार द्वारा भाग कले 3 100 को 2 द्वारा भाग कले 50 आसिबो तेणु 2 के 2 100 को 2 द्वारा भाग कले 50 तेणु आम पाइले 3 गुणन 50 समान 150। तले एक्स मूल्य पाइले 150 अतएव निर्णय संख्याटी 150। 11 नंबर दुईटी धनात्मक पूर्ण संख्यार अंतर 30 सेमानंकर अनुपात 2:5 हेले संख्या दुईटी केते दुईटी धनात्मक पूर्ण संख्यार अंतर 30 ता माने गोटे संख्या बड़ एवं अन्य गोटे संख्या सान जदि दुईटी धनात्मक पूर्ण संख्या मध्यरु सान धनात्मक पूर्ण संख्या को आम एक्स नबा ताले बड़ धनात्मक पूर्ण संख्याटी केते हबो ताटु 30 अधिक होइजबो जहाफल अंतर 30 आसिबो। मन्ने करो दुईटी धनात्मक पूर्ण संख्या मध्यरु सान धनात्मक पूर्ण संख्याटी एक्स अतएव बड़ धनात्मक पूर्ण संख्याटी केते हबो अतएव बड़ धनात्मक पूर्ण संख्या टी सान धनात्मक पूर्ण संख्या ठारु 30 अधिक हबो एक्स प्लस 30 कारण से अंतर 30 एक्स प्लस 30 रु एक्स जदि वियोग करिबा तले आमे 30 पाइबा। प्रश्न कही अनुपात 2:5 जेहेतु अनुपात दे 2:5 ताले आम प्रथम रखा सान संख्या ता तले रखा बड़ संख्या। प्रश्न अनुसार एक्स बाई एक्स प्लस 30 समान 2/5 कारण तर अनुपात दे 2:5 ताले सान संख्याटी 2 गुण एवं बड़ धनात्मक पूर्ण संख्याटी 5 गुण तेणु सान संख्या विभक्त बड़ संख्या समान 2:5। दिस इम्प्लाइज वर्तमान ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी आकार रही तेणु आम वज्र गुणन करवा 5 को एक्स सहित गुणन करवा एक्स प्लस 30 को 2 सहित गुणन करवा। दिस इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 2x+30। दिस इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू बर्तमान 2 को आम एक्स सहित गुणवा 2 को एक्स सहित गुणले 2x प्लस 2 को 30 सहित गुणले आसो 60। दिस इम्प्लाइज बर्तमान अज्ञात राशि विशिष्ट पद गोटे पार्श्व गणवा बाम पार्श्व 5x रही 2x दक्षिण पार्श्व रही बाम पार्श्व गाणी हो -2x इज इक्वल टू 60। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 60। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 60/3 समान 20। ताले गोटे पूर्ण संख्या पाइले 20 गोटे पूर्ण संख्या 20 अन्य पूर्ण संख्या समान एक्स प्लस 30 समान 20+30 समान 50 अतएव धनात्मक पूर्ण संख्या द्वय 20 और 50 अतएव धनात्मक पूर्ण संख्या द्वय 20 और 50 और आम जदि बड़ धनात्मक पूर्ण संख्या को एक्स नबा ताहले सान धनात्मक पूर्ण संख्याटी केते हबो एक्स रु 30 कमी जीवो कारण धनात्मक पूर्ण संख्या द्वय मध्यर अंतर 30 ताले बड़ धनात्मक पूर्ण संख्या जदि एक्स हबो सान धनात्मक पूर्ण संख्याटी
ताठारु 30 कमिजिबो जहाँफल अंतर 30 हबो सेमिति मध्ये आमे करि परिबा मन कर धनात्मक पूर्ण संख्या द्वय मध्यरु बड़ धनात्मक पूर्ण संख्याटी एक्स अतएव सान धनात्मक पूर्ण संख्याटी समान एक्स माइनस 30 जेहेतु संख्या दुईटी मध्यर अंतर 30 प्रश्न अनुसार से कही अनुपात 2:5 ताहले सान संख्या विभक्त बड़ संख्या समान 2:5 एक्स माइनस 30 विभक्त एक्स इज इक्वल टू 2:5 जदि भूल रे ऊपर एक्स लिखिद तले एक्स माइनस 30 लिखिद पाठ भूल हो कारण अनुपात 2:5 अच्छी एथु जमापड़ी ऊपर सान संख्या रही तले बड़ संख्या रही तेणु आम टे सावधान हो समीकरण को लिखा पड़ो दिस इम्प्लाइज बर्तमान वज्र गुणन करवा 5x-30 इज इक्वल टू 2x दिस इम्प्लाइज 5x-150 इज इक्वल टू 2x दिस इम्प्लाइज बर्तमान अज्ञात राशि विशिष्ट पद गोटे पार्श्व को नहीं जावा 5x-2x इज इक्वल टू ए -150 दक्षिण पार्श्व गले 150 दिस इम्प्लाइज 5x-2x 3x 3x इज इक्वल टू 150 दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 150/3 समान 50 ताले बड़ धनात्मक पूर्ण संख्याटी 50 सान धनात्मक पूर्ण संख्याटी केत हम से 30 कमिजी 50 कमे 20 गोटे पूर्ण संख्या बा गोटे धनात्मक पूर्ण संख्या समान 50 अन्य धनात्मक पूर्ण संख्या समान एक्स माइनस 30 समान 50-30 समान 20 अतएव पूर्ण संख्या द्वय 50 और 20 12 नंबर गोटे श्रेणीर मोट पिला संख्या 49 पुओ पिलांक संख्या झीव पिलांक संख्यार 3/4 गुण हेले श्रेणी रे पुओ और झीवंक संख्या निर्णय कर मन कर श्रेणीर पुओंक संख्या एक्स ताले झीवंक संख्या केते हबो 49 रु एक्स कमे देबा काहेकि कारण मोट पिला संख्या 49 मोट पिला संख्यार जदि पुओ संख्या को आम माइनस करवा तो झीव संख्या के जापर 12 नंबर मनेकर श्रेणी पुओं संख्या एक्स अतएव झीवं संख्या समान 49-x जेहेतु मोट पिला संख्या 49 प्रश्न कौन कही पुओ पिलांक संख्या झीव पिलांक संख्यार 3/4 गुण झीव पिलांक संख्यार 3/4 गुण केते 3/4 × 49-x ताले एक्स जहाँ 3/4 × 49-x से प्रश्न अनुसार एक्स अर्थात पुओं संख्या केते झीवंक संख्यार 3/4 गुण ताले 49-x रो 3/4 तेणु ये 3/4 × 49-x दिस इम्प्लाइज एटी 4 हरेर रही एपट को आसने गुण नहीं जीव 4x इज इक्वल टू 3/49-x दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 3/49 गुणन करवा 3/49 गुणन कले 147 बर्तमान 3/-x गुणन कर माइनस पड़ ताले -3x दिस इम्प्लाइज 4x बाम पार्श्व रही लिखिदे -3x बाम पार्श्व को आसने +3x इज इक्वल टू 147 दिस इम्प्लाइज 4x रे 3x जोग कले आस 7x 7x इज इक्वल टू 147 दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 147/7 बाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व को आसला हरण होगा जेहतु ये गुण नहीं सामान 14 को 7 द्वारा भाग कले 2 × 7 = 14 × 14 = 0 ओल्हला 7 × 7 ताले एक्स है 21 अर्थात पुओं संख्या 21 झीवों संख्या केते 49 रु से 21 वियोग करदे अतए पुओं संख्या समान 21 और झीवों संख्या समान 49-x समान 49-21 समान 28 अतए श्रेणी पुओ और झीवों संख्या यथाक्रमे 21 और 28 पुणी थे आम 11 नंबर प्रश्न को फेरी जावा 11 नंबर प्रश्न रे
ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ତିରିଶ। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 2:5 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅନୁପାତ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅନୁପାତ ଦେଇଥିବ ଆମେ ସେହି ଅନୁପାତରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 2:5, ତାହେଲେ ସାନ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ ବଡ଼ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 2:5। ଆମେ ମନେ ମନେ ସାନ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2x ଓ ବଡ଼ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5x ନେଇପାରିବା, କାରଣ ସାନ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ ବଡ଼ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 2:5। କେମିତି ହେଇଛି? 2x/5x, xx କଟିଯିବ, ତାହେଲେ 2:5 ଆମେ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁପାତ ହେଇଯିବ 2:5। ଏକ୍ସ କେତେ ତାହା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏକ୍ସ କେତେ ଜାଣିଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ କେତେ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ଉପାୟରେ କଲେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ମନେକର ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ 2x ଓ 5x, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 2:5। ଅନୁପାତ କେମିତି ବାହାରିବ? ଆମେ ଭାଗକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳନା କଲେ ଅନୁପାତ ପାଇବା, ତାହେଲେ 2x/5x, ଉପରୁ ଏକ୍ସ ତଳୁ ଏକ୍ସ କଟିଯିବ, ହେଇଯିବ 2:5, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପାତ 2:5 ହେବ। ଏଇ ଏକ୍ସ କେତେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ କେତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର 30, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 5x-2x=30। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 5x-2x ହେଇଯିବ 3x, 3x ହେଇଯିବ 30। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x=30/3 ସମାନ 10। ଅତଏବ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 2x=2×10=20 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 5x=5×10=50। ଅତଏବ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ 20 ଓ 50। 13 ଦୁଇଟି ଅନୁପୂରକ କୋଣର ଅନ୍ତର 10° ହେଲେ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ଅନୁପୂରକ କୋଣ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 90° ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇଟି କୋଣକୁ ଅନୁପୂରକ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 1x, ତାହେଲେ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 90°-x°, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 90° ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଦୁଇଟି ଅନୁପୂରକ କୋଣର ଅନ୍ତର 10°, ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା। ମନେକର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 1x, ଅତଏବ ଏହାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ 90°-x°। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 90°-x° ସମାନ 10°, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି କୋଣ ଦୁଇଟିର ପରିମାଣର ଅନ୍ତର 10°। ମୁଁ 1°କୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1°ରୁ 90°-x° ମାଇନସ୍ କଲି, ଯାହାକି 10° ପାଇଲି। ଯଦି 90°-x° ମୁଁ ବଡ଼ କୋଣର ପରିମାଣ ବୋଲି ଭାବିବି, ତାହେଲେ ସାନ କୋଣର ପରିମାଣ ହେବ 1°, ତାହେଲେ ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କଲେ ବି 10° ଆସିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତର ସମାନ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 90°-x° ହେଲା 10°। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 1° ଏଇ 90°କୁ ମାଇନସ୍ କଲେ ହେଇଯିବ -90°, -x°କୁ ମାଇନସ୍ କଲେ ହେଇଯିବ +x° ସମାନ 10°। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 1°+x° ହେଇଯିବ 2x°-90°=10°। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 2x° କେତେ? 10°+90°। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 2x°=100°। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 1° ହେଇଯିବ 100°/2 ସମାନ 50°। ଅତଏବ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 50° ଓ ଅନ୍ୟ କୋଣଟିର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିବ? 90°-x° ସମାନ 90°-50° ସମାନ 40°। ଅତଏବ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଦ୍ୱୟ 50° ଓ 40°,
जदि 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री को मु बड़ कोण परिमाण बोली भाबी ताले 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री एक्स डिग्री वियोग कले 10 डिग्री हबो जदि 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री इज ग्रेटर देन एक्स डिग्री सेते बेले कोण हबो 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री माइनस प्रथम कोण परिमाण केते एक्स डिग्री समान केते आसीबो 10 डिग्री दिस इंप्लाइज 90 डिग्री ए माइनस एक्स डिग्री जो माइनस टू एक्स डिग्री इज इक्वाल टू 10 डिग्री दिस इंप्लाइज ए माइनस टू एक्स डिग्री को मुझे दक्षिण पार्श्व को नहीं दक्षिण पार्श्व को नहीं गलत टू एक्स डिग्री तेल माइनस टू एक्स डिग्री दक्षिण पार्श्व को पड़ेगा होगा टू एक्स डिग्री कितु मुझे दक्षिण पार्श्व को आगे लिखिदी सामान बाम पार्श्वर थी 90 डिग्री लिखिदेले ए 10 डिग्री दक्षिण पार्श्व बाम पार्श्व को आसे माइनस 10 डिग्री दिस इंप्लाइज टू एक्स डिग्री इज इक्वाल टू 80 डिग्री दिस इंप्लाइज एक्स डिग्री इज इक्वाल टू 80 डिग्री विभक्त दुई समान 40 डिग्री तेल एक्स डिग्री पाई 40 डिग्री तेल गोटे कोण 40 डिग्री अन्य कोण टी के गोटे कोण 40 डिग्री ओ अन्य टी के हम 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री समान 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री समान 50 डिग्री जमीती कले भी आम उत्तर सामान आसो ये अनुरूप कोणोदय 40 डिग्री और 50 डिग्री एका जिनसा